मेरा नाम आयशा निखर, इंचार्ज शोबे तालीम शहर औरंगाबाद। हम जो है जमात के तहत बहुत सारे शोबे जात में काम करते हैं, जैसे दावत है, इस्लामी माशरा वगैरह। उसी के साथ साथ हम तालीम के मैदान में भी काम करना चाहते हैं। तालीम के मैदान में काम की शुरुआत हमने जो है एक स्कॉलरशिप गाइडेंस प्रोग्राम के तहत की। हमारे जहन में ये चीज़ थी कि जो बच्चे जो है माशी मसाइल के की वजह से जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है, उनके अंदर जो है बहुत सारे जो है मसाइल होते हैं उनके सामने, जिसकी वजह से वो फर्दर एजुकेशन नहीं ले पाते। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी जो है मिल्लत के तालीम का हिस्सा बन सके, उनका जो है मुस्तकबिल बन सके। और उसके लिए हम चाहते हैं कि जो स्कॉलरशिप्स हमारा हक है, जो हमको मिलना चाहिए, उसके लिए हम उनको गाइड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर टीचर्स को टारगेट कर बुलाया है ताकि वो इन स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम को समझ सके और अपने स्कूल और अपने कॉलेजेस में जाके अपने स्टूडेंट्स को उसको समझाए, पेरेंट्स को समझाए, और उसके लिए जो है कोशिश करें कि उनसे फॉर्म फिल करवाएं और आगे जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में उनकी हेल्प है वो सारी चीज़ें करें। और यहाँ से भी जो कुछ भी मदद उनको चाहिए होगी इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। एक और प्रोग्राम हमारा अगले हफ्ते है कि हम जो है 25 से 29 सितंबर तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हम जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म्स फिल करने वाले हैं। प्रोफेशनल्स हमने यहाँ पर बुलाए हैं जो बैठकर जो है बच्चियाँ जो आएगी बेगम हज़रत महल, 30 सितंबर तक जिसकी डेट है, वो फॉर्म्स हम उनके यहाँ फिल करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीटली लेकर आएंगे तो हम उनके इंशाल्लाह फॉर्म्स फिल कर देंगे, और जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो उसको कम्प्लीट करें। और आइंदा जो है दूसरी स्कॉलरशिप्स में हम उनकी कहाँ मदद कर सकते हैं वो भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे हैं और वो आए नहीं अकाउंट में उनके, तो उसके लिए जमात कुछ कोशिश कर रही है? हमने अभी यही कोशिश की है कि उस डाटा को जमा करें। हमने लास्ट ईयर भी ये कैंप्स रखे थे, तो उस डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके रीजंस हम देखेंगे कि क्या रीजंस रहे, कहीं डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम थे या फिल करने में कोई प्रॉब्लम आया है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इश्यूज़ हैं, हम उसको समझेंगे इंशाल्लाह और फिर इस बार उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? आयशा निखर, HM अलमुबीन उर्दू प्राइमरी स्कूल, इंचार्ज शोबे तालीम शहर औरंगाबाद। प्रेजेंटेशन बहुत लंबा होता है, मैं आप जितना टाइम बताएंगे आप लोग सुनने के लिए रहेंगे तो मैं आपको उन चीज़ों पे गाइड करूँगा। किसी का कुछ सवाल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर तो आप पूछ सकते हैं, एक 3 मिनट में डॉक्यूमेंटेशन के लिए सवाल रख सकते हैं, बाद में आप मेरे पर्सनली भी मिल सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे जैन समाज का हो रहा है शाहगंज में SBI के पास में, वहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। कोई सवाल आप पूछना चाह रहे थे? सब अपने मैं फोन के हिसाब से चल रहा हूँ, इसमें 11:20 हो रहे हैं तो उस हिसाब से वहाँ फीस नहीं लगे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अभी बेगम हजरत महल पे जस्ट 3 दिन पहले मैंने एक मैसेज सर्कुलेट किया कि वहाँ फीस रिसीट नहीं लग रही है, पहले जरूरी थी लेकिन अभी उन्होंने वो कॉलम हटा दिया है। जैन समाज के जो लोग हैं ना, हम उनको बोल देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम उनको बोलते हैं ना वो अलग करवा देता है उनके जरिए से, उनकी पहुंच नकवी साहब तक के, तो उनको बोला हमने तो काम करवा दिया, जो भी काम करवाए जाते हैं हो जाते हैं। किसी का कोई सवाल? उसमें आप इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल ये सब लगा सकते हैं, बैंक की पासबुक लगा सकते हैं। एक स्कॉलरशिप से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, अभी NVSP पे इलेक्ट्रॉल वेरिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है EVP, इंशाल्लाह कोशिश करें कि यहाँ जमात के लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करें। एक ऐप डाउनलोड कीजिए आप, वोटर हेल्पलाइन जो इलेक्शन कमीशन की है उस पर जाके आप टैगिंग कर लीजिए। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपना APIN नंबर डालना है और फैमिली को टैग करना है और उसमें जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो निकालना है, बहुत सिंपल है। यूट्यूब बाबा पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉल हेल्पलाइन करके, वोटर हेल्पलाइन करके एक ऐप है, वो जो है आपको बताती है कि आप उस पर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है लेकिन आप उस पर नए फॉर्म का जो भी प्रोसेस करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम 15 अक्टूबर तक के रहेगा, तो आप प्लीज उसको करवाएं। कल मैं हमारी नाजिमान ने आंटी उनके दामाद ने मुझे मैसेज किया, उनका EPIC नंबर उन्होंने मुझे सेंड किया, वो कामती के रहने वाले थे, जैसे मैंने सर्च किया तो उनका नाम ही नहीं आधार इलेक्शन में। मैंने कहा नया फॉर्म भरिए तो आप पहले चेक कर लीजिए जो आपके पास में प्रूफ है वो सब है या नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जमात के प्लेटफॉर्म से भी सारी जगहों पर इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करें और वहाँ पे
आपके लिए जो पब्लिक यूटिलिटी के जो प्रोग्राम है, जो पब्लिक सर्विस के प्रोग्राम है वो भी कर रहे हैं, तो ये गाइडेंस आपको रख रहा है कि मोटर हेल्पलाइन करके आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसमें आप जैसे ही मोटर हेल्पलाइन करके वो जैसे काम में आएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने बताए, NRC और NPR, और उसके लिए भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अभी से तैयार। वो आए ना आए, खुदा ना खास्ता, मैंने एक अच्छी मिसाल लेकर आपको बोलता हूँ कि अल्लाह ने आपको इतनी सबसे बड़ी शहादत नसीब कर दी, हज के लिए आपको बुलाया, आपका पासपोर्ट सही है, सब कुछ है, लेकिन आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड पूछा जा रहा है कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ बताइए। अगर एक भी मिस्टेक है तो आप कितने बड़े चीज से आप उठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप ये आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि ये ऐसा है वैसा है। जो चीज़ मिस्टेक है मिस्टेक है, ए स्पेलिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है तो मिस्टेक है, ई या ए है, आई है, कुछ भी है वो है। आप कितने भी उनको एग्जांपल दो, किसी को भी दो, मिस्टेक मिस्टेक होती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन थे जो बहुत इम्पोर्टेंट है NPR NRC को लेकर। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, और आप भी जिम्मेदार इस बात को लेकर। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परेशान हमारे वो लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो इलिटरेट है, जिनको कुछ नहीं। मैं इंटरनेशनल स्टडी सेंटर में बैठे रहता हूँ, वहाँ पे पेरेंट्स आते रहते हैं, पूरा जो पीली नदी ये नागपुर का एक नॉर्थ का जो एरिया है जहाँ हमके रहते हैं, उसमें 90% लोग जो यूपी बिहार और इधर उधर से आके बसे हुए बेचारे नहीं जानते, उनको हम गाइड करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि कहाँ मिस्टेक है। तो बीइंग अ मैन आप जिम्मेदार सबके डॉक्यूमेंट देखकर करेक्ट करवाइए, नहीं दिखवाइए स्कॉलरशिप मत करवाइए कोई काम, बट डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट करवाइए, ये बहुत जिम्मेदारी है आपके पास में। आपको क्या सीखने मिला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जमात इस्लामी हिंद का ये प्रोग्राम ख़ास तौर से अटेंड करने के लिए आज आई हूँ। मैंने देखा यहाँ पर कि जमात बहुत अच्छे तरीके से स्कॉलरशिप जिन बच्चों को मिलना चाहिए लेकिन वो आगे बढ़कर फॉर्म नहीं भरते, उनको मालूमात नहीं है, उसकी गाइडेंस की गई यहाँ पर। इरशाद खान साहब ने बहुत अच्छे से मुनज़्ज़म तरीके से पावर पॉइंट के ज़रिए बताया है कि कैसे बच्चे आगे नहीं बढ़ते, अपने सलाहियतों को निखारने के लिए उनको पैसे की जो कमी होती है उनको चाहिए कि स्कॉलरशिप कैसे हासिल करें। मैंने देखा कि यहाँ बहुत मजमा टीचर्स का ज़्यादा है, टीचर्स और सामीन, और मैं डॉक्टर सैयदा नसीमुन्निसा लेक्चरर हूँ सर सैयद कॉलेज में। मैंने ये देखा कि हमको बहुत सी मालूमात नहीं थी जिसकी वजह से हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, और स्कॉलरशिप के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, वरना फॉर्म भरकर हम ये समझते हैं कि हमको स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन फॉर्म में क्या क्या कमियां हैं ये हमको मालूम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा मौके से उन्होंने प्रोग्राम रखा है, और हम सब ये जान गए हैं, हम टीचर्स और लेक्चरर्स ये कोशिश करेंगे कि बच्चों की रहबरी करें और उनको सही मौके पर सही अंदाज से फॉर्म भरा कर स्कॉलरशिप हासिल करने का मौका दें।